बसमिल्ल अलहमदिल्ल वसला रसोल्ला वबाब इजमाइन अम्मा फरावज़ुब्लम शैतरम बिस्मिल रमीम रबरी वसरलीमरी वाहमिसम वरम वरक और बहुत बहुत खुश आमदेद हमारा ये प्रोग्राम कुरान तफसर जिसमें हम लोग तीसरे बारे की तफसीर कर रहे हैं आज अलहमदिल्ल हम लोग सूरत तीन की तफसर करेंगे और मैं पहले ही बताते चलूँ कि ये एक ऐसी सूर है जिसके जो मजामी हैं वो बहुत हैवी हैं और इसको अगर आपने समझ लिया तो आपको दीन का एक बहुत ही अहम फलसफा समझ में आ जाएगा अक्सर लोग ये समझते हैं कि इस्लाम की बात जो है या जनरल जो दीन की बात होती है वो बड़ी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है और उसमें कोई ज्यादा डेप्थ शायद नहीं पाई जाती लेकिन ऐसा नहीं है कुरान मजीद जो है वो एक तो कुरान के वो मजामी है अल्हम्दुलिल्लाह और आज यहाँ पे माशाल्लाह हमारे इस्लाम में बहुत तेज़ बारिश और तूफ़ान है और बार बार अल्लाह ताला की जो शान है वो हमें बार बार एक्सपीरियंस करने का मौका मिल रहा है बादल गरज रहे हैं और ज़बरदस्त किस्म की बिजली भी गिर रही है अल्लाह हम सबको अपने हिज्ज वान में भी रखे और ये अल्लाह ताली की निशानियाँ होती हैं जो कि हमें बताती हैं कि अल्लाह किल्ल की ताकत और कुदरत कितनी ज़्यादा है और बिजली का गिरना बिजली का गरजना जो है ये भी अल्लाह अला साल फरमाते राज में कि ये अल्लाह ती का जिक्र करते हैं यानी ये चीज़ें भी सब बहाल माफ समात माफिल ज़मीन आसमान की हर चीज़ जो है वह अल्लाला तला की तस्वीर बयान करती है लेकिन हमें उनकी तस्वीर समझ में नहीं आती तो इन ये जो टॉपिक है आज का हमारा सूरत तीन का इसमें मैंने आपको उससे था कि ऐसा फलसफा हम बात करेंगे कि असल में जो इंसान है वो है क्या यानी ह्यूमन बीइंग का फ़लसफा क्या है और इसके साथ साथ ये कि जब भी इंसान कोई दीन की बात करता है तो जो उसकी ख्याल जहन में आता है कि बड़ा सिंपलिस्टिक सा कॉन्सेप्ट होगा कुरान मजीद का कुछ मजामीन और माने जो हैं वो ऐसे वाकई में हैं जो कि बहुत सतह के ऊपर हैं और हर किसी को किसी भी एज का कोई बंदा हो या किसी भी बैकग्राउंड का हो उसको समझ में आ सकता है जैसे कि अल्लाह ताला की तोहद है कुल अल्लाह कुल्ला समद लम यलिद वलम यू लध वलम कुफुवन अहद ये सिंपल चीज़ें या इयाक इकना व इयाक कनस्तिन या अल्लाह तेरी इबादत करते हैं तुझी से मांगते हैं ये बातें भी सिंपल हैं लेकिन कुछ ऐसे मजामीन भी हैं जो कि जो बहुत ही कोई इंटेलेक्चुअल शख्स है या बहुत डीप थिंकर है उसको भी उसके लिए भी फूड फॉर थॉट छोड़ जाते हैं तो इंशाल्लाह ये जो सूरह तीन है हैं तो ये बस आठ आयते हैं लेकिन इनके अंदर जो मजमून छुपा हुआ है वो बहुत ही कमाल है तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्ट्रेट इट तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि ये जितनी भी सूरतें हम लोग पढ़ रहे हैं ज्यादातर इनमें से मक्की सूरते हैं सूर्य तीन भी मक्की सूर है इसमें आ, नेचर ऑफ मैन के बारे में बात की गई है और फिर उसको जोड़ा गया है आखिरत की फिक्र के साथ तो अल्लाह सुबहान तला ने इस सूरह के अंदर आगाज किया कुछ कस्बों के साथ जैसे पहले भी हमने देखा कि मुख्तलिफ सूरतें जिससे पहले भी आई उनमें भी कुछ कस्में खा के बात का आगाज किया फरमाते हैं वह तीन वैतून अल्लाह तीन की यानी जो इंजीर है उसकी कसम खाते हैं और जैतून यानी जो अः जो, जो आपका मतलब जैतून का भी एक पौधा है उसका एक फल है जैतून का तेल निकाला जाता है तो तीन और जैतून दोनों की यहाँ पे कसम खाई जा रही है आगे फरमाए वह सी नींद और जिसको इंग्लिश में माउंट साइना कहते हैं ना कहते हैं उसकी कसम खाई जा रही है जहां पे मूसा सलाम को भेजा गया और फिर वहाजिल अमीन और इस शहर जो अमन वाला शहर है यानी कि मक्का की कसम खाई जा रही है तो यहां पे देखिए स्ट्रेट अवे जो कसमें खाई जा रही हैं और उसके बाद जवाबुल कसम जो है वो उसके बाद है जो आयत नंबर चार में आता है लकत खल इंसान अफी अस्नी तकवीन जो कि सूर्य का क्रक्स है जिस चीज पर कसम खाई जा रही है तो जिन चीजों की कसम खाई गई व तीनी वजून व तूरी सीन वहाज अल बल दिल अमीन दो जो हैं वो खाने की अशया है और दो जो हैं वो जगह हैं वो कोई जर्फ मकान है यानी कि कोई जगह है जहाँ पे इंसान जिसके बारे में बात कर सकता है अच्छा ये जो दो खाने की चीज़ें हैं तीन और जैतून अब जाहिर सी बात है जिस चीज पर भी कसम खाई जाती है वो शरीयत में मौजूद तो हो जाती है और यकीन तीन के बारे में या इंजीर के बारे में नबी करीम सल वम की यह हदीस पे मौजूद है कि ये अगर यानी कोई चीज़ दुनिया में जन्नत के फलों से मुशाबियत रखती है तो वो ये इंजीर है क्योंकि इसके अंदर जो है वो बीज वगैरह नहीं होते और जन्नत के फल जो हैं उनमें भी ऐसे बीज नहीं होंगे तो ये तो बारह हदीस में भी इसकी इंपॉटेंस आती है फिर इसके मेडिकल बेनिफिट्स पे भी हम लोग बहुत बात कर सकते हैं कि इंजीर के मेडिकल बेनिफिट्स क्या हैं जैतून जो है या जैतून का तेल जो है ऑलिव्स जो हैं उनके बेनिफिट्स क्या हैं इसमें बहुत सारी बातें की जा सकती हैं लेकिन ये कोई हेल्थ एंड फिटनेस का शोर नहीं है ये हम लोग बात कर रहे हैं इसमें कुरान तफसीर की और इबन कसीर के मुताबिक और दीगर मुफसरन के मुताबिक ये जो दो चीज़ें हैं तीन और जैतून इनका माना जो है वो भी किसी लोकेशन के साथ अटैचड है यानी अरबी मुहावरे में या अरबी जुबान में अक्सर अवकात किसी चीज़ को जब कभी आपने रेफर करना हो तो आप उस चीज़ की जो भी मशहूर चीज़ है उससे उसको रेफर कर सकते हैं यानी तीन से मुराद वो जगह हो सकती है जहां सबसे ज्यादा तीन पाया जाता है सबसे ज्यादा इंजीर पाई जाती है और इसके बारे में मैं बताता हूँ ये कौन सी जगह है जो इसके बारे में मुफसरीन जो बात करते हैं और फिर जैतून जो है वो वैली या वो पहाड़ जहाँ पे जैतून बहुत ज्यादा पाया जाता है तो इसके बारे में जो हमारी मुफसरीन की राय में ये बात सामने आती है कि वो कहते हैं कि जो तीन है यानी या या तीन का जो पहाड़ है वो कौन सा था वो माउंट जूदी जिसको हम कहते हैं जह, जहां पे नू असलम की किस्ती आकर रुकी थी ये कहा जाता है कि ये उसकी तरफ इशारा किया जा रहा है बाकी अल्लाह ताला बेहतर जानता है लेकिन बाज मुफरीन के नजदीक ये जो तीन है ये बेसिकली उस पहाड़ी की तरफ इशारा है जहां पे नू असलम की किस्ती आकर रुकी थी जिसको माउंट जूदी कहा जाता है और जैतून जो है ये जैतून के पहाड़ की तरफ इशारा है जहां पे ईसा सलाम जरूसलम में जाके खुतबा दिया करते थे लोगों से खिताब किया करते थे तो ये जरूसलम की तरफ इशारा किया जा रहा है अच्छा फिर तुरसी ये तो बहुत बहुत ही वाजह है कि मूसा सलाम को वहाँ बुलाया गया और मूसा सलाम को वहाँ पे डिवाइन लॉ जो है वो दिया गया इसी तरह से हाजल ये मक्का है जहाँ पे नबी करीम करीमलम अपनी दावत और तबलीग कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने अभी जो चार कस्में खाई गई क्योंकि ये बात भी जहन में रखिएगा कि अल कैय रही फरमाते हैं कि ऐसा नहीं है कि जो कसम खाई जाती है उसका कोई ताल्लुक नहीं होता उस चीज़ के साथ जो कि जवाबुल कसम है बल्कि कसम का ताल्लुक जवाबुल कसम के साथ होता है ये इबन इस अकैम रही की राय है क्योंकि वो कहते हैं कि अगर ऐसा ना होता तो आप कुरान मजीद में, में कसमों को इंटरचेंज कर सकते यानी जहां पे कहा गया लफी खुसर उस वक्त की कसम जो तुम्हारे हाथों से निकला जा रहा है इंसान खसारे में तो जब हम असर तो की हमारे पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि कितना था कि कितना इंपॉर्टेंट था इस वक्त की कसम खाई गई और फिर कहा गया कि इंसान खसारे में क्योंकि इंसान के हाथ से टाइम निकल रहा है टाइम जो निकल गया वो वापस नहीं आएगा तो वहां पे वर असर ही बता था वहां पे अगर आप कहते व तीन इन, इन, इन लफी खसर तो वो फिर रब ना बनता तो इसी तरह से अल्लाह तला ने दीगर मकाम पर जो कस्में खाई हमने पिछली सूरतों में देखा कि जहां पे व शमसी वहामर तला व नहारा वजा यक्ष किस तरह से अल्लाह तारा ने दो अपोजिट्स को आपस में कसम खा के बयान किया रात और दिन को बयान किया खुशकी और तरी को बयान किया ठीक है सूरज चांद को बयान किया और फिर अल्लाह ताला ने आगे फरमाया कुछ नफ्स का जिक्र किया फलहा फूरहा व तकवाहा यानी आपको एक रब्त नज़र आता है एक पैटर्न नज़र आता है जिस चीज पर कसम खाई जा रही है और जो जवाबल कसम है उसके बीच में कनेक्शन जरूर होता है तो यहां पर भी अब देखिए यहां पे कहा गया व तीरी वजून व तूरी सीन वहाज़ल बल दिल और आगे फरमाया तक तो यहां पे क्या मुराद है कि ये आ, समझ में यही बात आती है कि ये जो सारी जगहों को लोकेशन के साथ अटैच किया गया यही तफसीर जरा मुनासिब समझ में आती है और ख़ास तौर पर इन लोकेशंस पर कौन लोग थे लोकेशंस खुद से खास तो नहीं थी वहां पे जो लोग आए उन्होंने उसको खास बनाया बिलखसूस जब हम देखते हैं कि नू आलाम का अगर हम की हम अगर बात करें तीन के साथ उनको मुंसलिक किया जाए जैतून के साथ हम लोग कहते हैं कि ईसा सलाम वो पहाड़ी का जिक्र किया जा रहा है जहाँ पे आप दिया करते थे तो नूसलम हो गए उसके बाद ईसा सलाम हो गए तूरसी नीन जो है वो मूसा सलाम हो गए और वहाज़ वलमीन नबी करीम सल्म हो गए तो चार अम्बिया का जिक्र हो गया लेकिन आपको पता है कि जो अल्लाह ताली के सबसे महबूब तरीन रसूल हैं जिनको हम कहते हैं वो पांच है एक उसमें इब्राहिम और इब्राहिम आप देखें तो हाजल जो अम्मा हाजरा को वहां पर छोड़ आए और फिर वहां पर इस्माही के पाव से जमजम फूट उठा और फिर वहां पर काबा की बुनियादों के ऊपर तामीर की गई और इब्राहिम ने वहां पर दुआ की आला इस शहर में हमारी नस्ल में से एक नबी को भेजना एक ऐसे शख्स को भेजना जो कि तेरी आयत की तलावत करेगा और लोगों का तजिया करेगा तो यहाँ पे इन चार आया इन तीन आयात में अल्लाह ताला के पांच अंबिया का एक ताल्लुक वास्ता जो है वो जोड़ा गया है इन कस्मों के साथ अच्छा ये तो हो गया सिर्फ इंट्रोडक्टरी बात की जो कस्में खाई गई हैं वो किन चीज़ों पर खाई गई आगे जो बात आ रही है असल वो है जवाबुल कसम फरमाया गया लकत खलक नल इंसान अफी अहसनी तकवीम यानी पे कहा गया कि पिछली सूरह में सूरत में हमने पढ़ा था इसी तरह की आयत थी इंसान कबद कि अल्लाह ताला ने इंसान को मशक्कत में पैदा किया यहाँ कहा जा रहा है इंसान अहसनी तकवीम यानी कि इंसान को पैदा तो जबरदस्त तरीके से किया गया अहसनी तकवीम बहुत खूबसूरत तरीके से पैदा किया गया और इंसान स्ट्रगल में भी है यानी कि जब तक वो स्ट्रगल करता रहेगा अब उसके पास एक चॉइस होती है हमेशा कि वो किस रास्ते पर स्ट्रगल करना चाहता है तो अल्लाह सुबह ने कुछ ऐसे लोगों की तरफ इशारा किया लकत खलकनी तकवीम यानी वो अम्बिया जिनका अभी पिछली आयात में आया नू असलम इब्राहिम ईसा मूसम और नबी करीम के ये वो लोग हैं लकत खलकानसनी तकवीम देखो के कितने वो जबरदस्त लोग थे कितने वो हमारे लिए रोल मॉडल्स थे जिनको हम फॉलो करते हैं लकत कान नी रसूल उस वत हसन यानी ये वो आप कह लें कि इंसानी आ, किरदार की पीक है कि जहां पे हमें बताया जा रहा है कि ये वो लोग थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगियां जो है वो ऐसे कामों में लगा दी जो सेल्फलेस काम थे यानी कोई बंदा फिलानथ्रफी की बात करता है या पब्लिक सर्विस की बात करता है इससे बड़ी क्या पब्लिक सर्विस होगी इससे बड़ी क्या फिलंथ्रफी होगी कि इंसान अपनी पूरी जिंदगी जो है वो लगा दे लोगों की सलाह करने में लोगों को दावत तबलीग करने में लोगों को सीधे रस्ते पर लाने के लिए जिस तरह इन तमाम अंबिया ने किया इब्राहिम सलाम इब्राहीम सलाम मूसा ईसा और नबी करीम करीमल तो ये बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं पूरी इंसानियत के लिए लेकिन फिर क्या है कि इंसान कभी कभार सबसे नीचे भी हो जाता है उसके बारे में हम अभी बात करते हैं तो यहाँ पर फरमाया लक़त खलक नल इंसान अफियासनी तकवीम यानी ये जो ला है ये लाम ताक़ है कद जो है ये भी यानी बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला ने ऑलरेडी पैदा कर दिया यानी अल्लाह ताला ने पैदा कर दिया बेहतरीन तरीके से खलक ना अल्लाह ने पैदा किया और अल्लाह ताला की इसमें यानी जो प्लूरल फॉर्म में हम जब बात करते हैं कि हमने पैदा कर दिया तो इसमें वो एक अल्लाह ताला की अजमत को भी बयान किया जा रहा है और अहसनी तकवीम यानी बहुत हुसन के साथ पैदा किया बहुत कमाल के साथ पैदा किया इंसान को तकवीम यानी कि किसी चीज को कायम कर देना किसी चीज को अच्छे तरीके से कायम करके अपराइट कर देना यानी एक उस चीज़ को अच्छे तरीके से पैदा किया फिर उसकी परफेक्शन क्रिएट कर दी और उसको सीधा कर दिया बिल्कुल उसके अंदर हर चीज का बैलेंस क्रिएट किया यानी इंसान को पैदा इस तरह किया गया कि एक अच्छे बैलेंस के साथ और इसी तरह हम ये बात जानते हैं कि इंसान जो है वो सिर्फ जिसम का नाम नहीं इंसान के अंदर एक रूह नाम की चीज भी होती है तो जिसम और रूह के बैलेंस को जो है ना हम इंसान कहते हैं लकत खलक नल इंसान नकवें तो ये चीज असल में बड़ी अहम है समझने के लिए अच्छा यहाँ पे मैं थोड़ा सा फलसफा अब आपके सामने झाड़ूंगा वो ये कि ये देखिएगा कि एक जमाना था जब ये डार्क एजेस से यूरोप जो है वो निकल के इनलाइट एरा में आया और क्यों आया इसके पीछे बहुत बड़ी डिटेल है जो लोग इसको इंग्लिश में सुनना चाहते हैं मेरी आजकल एक सीरीज चल रही है सुबह के टाइम सुबह साढ़े चार बजे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक जिस जिसका नाम है मुस्लिम इन उसमें मैं इसके ऊपर बात करता हूँ काफी डिटेल में कि ये असल में जो लिबरल सेकुलर फिलासफी है वो क्या है लेकिन बहरहाल आज के टॉपिक के लिए इसको जरा मुख्तसर करते हैं कि जब यूरोप जो है वो डार्क एजेस से निकल कर एज में आया तो यूरोप जो था वो अपने एक तो चर्च से बड़ा मुतनफर हुआ था दूसरा अपने बादशाहों से बड़ा मुतनफर था जो कि दोनों हैंड एंड ग्लव काम कर रहे थे तो दोनों आपस में मिल काम कर रहे थे और आवाम को बेचारों को कुचल रहे थे पीस रहे थे और यकीन बड़ा जुल्म किया आवाम के ऊपर उनके ऊपर टैक्सेस भी बहुत लगाए पैसे भी बड़े उन, उनसे लिए फिर उनमें से कोई अगर बंदा कोई थोड़ा सा साइंटिफिक बात करता उसको वाजिबुल कतर करवा देते कि ये तो बंदा दीन से निकल गया है या कोई बंदा अगर उनसे ये भी सवाल करता कि भाई हमें बाइबल खुद पढ़ने दें तो उसके ऊपर भी फतवे लग जाते कि इसको मार दो तो अजीब एक मामला था तो लोगों ने मुतनफर होकर फिर एक रिवॉल्ट हुआ जो ऐसा रिवॉल्ट हुआ जहां पे वन ऑफ द ब्लडियस्ट रेवोल्यूशन इन हिस्ट्री ऑफ मैन काइंड और वो यूरोप में स्टार्ट हुआ उसका उसी की एक जो है ना कड़ी वो फ्रेंच रेवोल्यूशन भी है और अ, मतलब लोगों की अपराइजिंग हुई अवाम का समुंदर जो है वो जाग उठा और उसने ऊपर के टॉप लेवल के जो लोग हैं जो आपके चर्च के लोग थे और जो बादशाह थे उनको खत्म कर दिया अच्छा और आज भी यही हाल है कि यूरोप में ना चर्च की कोई खास पावर है ना आपके बादशाहों की पावर है बस वो एक फिगर्स हैं लेकिन उनकी कोई पावर नहीं है अच्छा हुआ क्या कि चूंकि पहले जो गवर्नेंस हो रही थी वो सारी की सारी चर्च और बादशाह कर रहे थे जब इनको खत्म कर दिया तो लोगों ने सोचा अब हम लाइफ कैसे गुजारे तो यूरोप में एक थॉट का शिफ्ट आया पहले लोग जो थे ना जो भी आपका मजहब हो आप अल्लाह को मानते थे यानी गॉड का तस्वुर था कोई खुदा का तस्वुरा था दूसरा तस्वुर था कि जिसम के अलावा रू भी कोई चीज होती है जिसम के अलावा रू भी कोई चीज होती है और तीसरी जो बात थी वो ये था कि दुनिया के अलावा आखिरत भी कुछ है होती है तो ये बातें तीनों यानी अल्लाह के बारे में बात करना या रूह की बात करना या आखिरत की बात करना ये वो चीजें जो मेटाफिजिकल है यानी कि जो आप लॉज ऑफ फिजिक्स में इनको लपेट नहीं सकते ये वो चीजें जिनको हम कहते हैं ये गैब की बातें बिल गैब ये गैब की चीजें ना हमने अल्लाह को देखा है ना हमने रूह को देखा है ना हमने क़यामत के दिन को देखा है तो लोगों का जो माइंड सेट बना डार्क एजेस से निकल के एनलाइटनमेंट में आते हुए कि ये जो चर्च था या हमारी जुबान में कहते हैं ना कि जो दीनी तबका था इसने हमारा बेड़ा गर्क किया और बादशाहों ने भी बेड़ा गर्क किया तो अब हम दीन से दूर है हमने दीन वालों ने तो हमारा काम खराब किया हमेशा हमें पता नहीं कभी अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं कभी क़यामत का जिक्र कर रहे हैं वो चीज़ें हमने देखी नहीं कभी और हम जब कहते हैं कि साइंटिफिक डिस्कवरी करो करो प्रोग्रेस तो तो हमें रोकते हैं तो ये किस किस्म का हमारे साथ इन्होंने जो ना मजाक किया तो अब हम इनकी बात कोई नहीं मानते अब हम वो करेंगे जो जो कि होगा हमें आंखों से नजर आ रही है जो हाथ से छू सकते हैं जो मतलब स्मेल कर सकते हैं सुन कर सकते हैं ये चीजें रियल है बाकी सब कहानियां सब कहानियां उनको हम नहीं मानते तो ये जो है ना यूरोप के मिजाज में तब्दीली आई और जब लोगों ने इस मिजाज की तरफ शिफ्ट किया तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ने जन्म लिया बहुत सारे फलसफों ने जन्म लिया और उसमें यह फलसफा सर आम था कि इंसान जो है वो रूह तो कोई शय नहीं है असल चीज जिसम है और जिसम के ऊपर बहुत स्टडी की गई बहुत स्टडी की गई इतनी स्टडी की गई कि हम लोगों ने मेडिकल साइंस में कहां से कहां तरक्की की हमने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर कहां से कहां तरक्की की हमने ह्यूमन एनाटॉमी को समझा ब्रेन किस तरह काम करता है डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है पूरा जो न्यूरो नेटवर्क है आपके अंदर वो कैसे काम करता है ये सारे आपके जो फंक्शन है वो कैसे काम करते हैं इंसान अपनी पीक पे पहुंच गया जितना कभी जिंदगी में इंसानों की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि जितना इंसान ने इस वक्त आके मेडिकल साइंस में ह्यूमन बॉडी को पढ़ने में तरक्की की लेकिन अजीब मामला यह है कि यही वो टाइम है जब इससे ज्यादा इग्नोरेंट इंसान कभी नहीं हुआ रूह के मामले में पहले तमाम कल्चर्स में ट्रेडिशंस में लोग रू को कुछ समझते थे और रू जो है ना वो मेरी और आपकी असलियत है मेरी और आपकी जो हकीकत है वो रूह है जिसम नहीं है यानी अगर आप ये सवाल करें कि राजा हक असल में कौन है क्या राजा हक इस जिसम का नाम है या क्या राजा हक इस रूह का नाम है जो इस जिसम के अंदर है ये जो जिसम है ना ये तो ऐसी एक गाड़ी है जो मैं चला रहा हूं मेरे अंदर जो असल में जो राजा चौलक वो तो अंदर का इंसान है ना वो तो रूह है मेरी जो आलम अरबा में भी थी अल्लाह ने वादा भी लिया था अलस्तो बेरा बेकुम कालो बला शाहना और फिर उसको रूह को फूक दिया गया एक जिसम के अंदर और फिर आहिस्ता आहिस्ता बचपन से लेके यहां तक मैं पहुंच गया और फिर एक टाइम आएगा कि जब ये बॉडी जो है वो कमजोर हो जाएगी वीक हो जाएगी और फिर इंसान मर जाता है दुनिया से चला जाता है तो जिसम यहां रह जाता है रूह निकल जाती है जब हम कहते हैं ना कि कोई फौत हो गया या कोई इंतकाल कर गया इंतकाल क्या होता है इंसान इन, मुंतकिल हो गया एक स्टेट से दूसरी स्टेट में मुंतकिल हो हो गया तो 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 आपकी और मेरी जो असल हकीकत है वो है वो तो, रूह ये खत्म जाएगा तो, तो मिट्टी में मिल जाएगा फिर जब इंसान के के दिन आएगा तो उसको नया जिसम दिया जाएगा जन्नत और जहन्नम में नया जिसम दिया जाएगा तो इसलिए आपकी जो असलियत है वो आपकी रूह है आपकी रूह है तो अभी मैं जो आपको कॉन्ट्रास्ट बता रहा हूं वो ये है कि इक्कीसवीं सदी में हम लोग मेडिकल साइंस की पीक पे पहुंचे हुए हम रिसर्च कर रहे हैं एक बड़े से बड़े एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं सब कुछ हो रहा है लेकिन यही वो टाइम है जब इंसान इससे ज्यादा कभी जाहिल नहीं हुआ रूह को पढ़ने के अतबार से पुराने वक्तों में ना जितने भी रिलीजन थे वो स्पिरिचुअलिटी की बात करते थे स्पिरिचुअलिटी से मुराद ये कि इंसान की जो रूह है उसका सुकून कहां है उसका उसका तजकिया कहां है उसकी सफाई कहां है और रूह को इतमान की स्टेट में लेके आना अला बिक्रतमूब यानी इसकी तरफ इंसान को लेके आना उस पीस की तरफ इनर पीस किसको बोलते हैं यानी इंसान कहता है कि मैं इनर पीस की कैफियत में हूं यानी मेरा एक इन है और एक आउटसाइड है ना एक तो मेरा अंदर का इंसान है जो मेरी रूह है और एक मेरी बाहर की दुनिया है जो मेरी एक्सटर्नल वर्ल्ड है जिससे मैं इंटरेक्ट करता हूँ तो अंदर का रू अच्छा होगा तो बाहर भी अच्छा काम आएगा सो ये असल में कॉन्फ्लिक्ट था। अल्लाह हशर में कॉन्फ्लिक ने, ने उनको अपने वजूद के बारे में गुमराह कर दिया जिन्होंने अल्लाह को बुला दिया अल्लाह तक अपना रू बुला आप देखिए आज क्या क्या आलम है पूरी मेडिकल साइंस जो है वो रू को मानती नहीं है वो कहते हैं आप उनके पास कर रहा हूं वो ये गोली खाओ मुझे प्यार में नाकामी हुई है, मेरा दिल, मेरा दिल है आपका में लेवल ऊपर हुआ है फिलहाल एस्ट्रोजन लेवल ऊपर है टेस्टोस्ट्रोन जाके वो कहते हैं आप क्या हो आप कुछ केमिकल्स हैं आप हॉर्मोन्स का नाम है आप जींस का नाम है बस अंदर की चीज क्या है कुछ भी नहीं है और यह फलसफा जो है ना इंसान को लिमिट कर देना इतनी छोटी जगह पर ले आना कि इंसान का वजूद ही सिर्फ इतना सा है यह हमारी जनरेशन का एक जवाल है कि जहां पे हमने इंसान की हकीकत को नहीं समझा हम समझते हैं बड़े टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हो गए लेकिन यकीन ये बहुत बड़ा सवाल है अच्छा तो अलस फरमाते हैं तला ने यानी फिर वो नीचे से नीचे तर वालों में से हो गया यानी बनाया तो आसानी तकवीन पे था बनाया तो उसको बेस्ट ऑफ कैरेक्टर्स में था लेकिन वो फिर बहुत ही जिल्लत का शिकार हो गया अच्छा यहां पे देखें कि जो इस वक्त वर्ल्ड व्यू है दुनिया का या सेक्यूलर वर्ल्ड का वो ये है कि इंसान जो है वो असल में एक जानवर है और इंसान बाय नेचर जो है ना वो खबीस है ये ये मैं आपको बता रहा हूं जो इस वक्त वेस्टर्न वर्ल्ड व्यू का Uh, की समरी है कि इंसान बाय नेचर खबीस है बाय नेचर खबीस है उसको सिर्फ अपर्चुनिटीज नहीं मिलती अगर इंसान को अपर्चुनिटी मिले वो कर देंगे हर चीज को इंसान अगर शरीफ बनता है तो वो सिर्फ डंडे की वजह से बनता है और आप देखिए पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड में उनके लॉज बड़े स्ट्रिक्ट है गाड़ी चलानी है फाइन हो जाता है फौरन पकड़ लेते हैं हल्का सा इधर उधर आप होना फौरन पकड़ लेते हैं आपको तो हर बंदा तमीज से गुजारा और फिर इसकी मिसाल भी देते हैं कि देखो जब कभी कहीं ब्लैकआउट होता है यही बाहर के ममालिक में लूट खसूट शुरू हो जाती है यही बाहर के ममालिक में लोग जो है वो अफरा तफरी का आलम मच जाता है जैसे ही लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है थोड़ी सी खराब होती है तो अब ये बात हम कैसे समझें कि ये यहां यह तक वेस्टर्न वर्ल्ड कैसे पहुंची कि इंसान होता ही खबीस है होता ही एक अंदर से कमीना होता है इंसान ये बेसिकली उनका कहने का मकसद है यहां तक ये यह कैसे पहुंचे फॉर एग्जाम्पल जब ये कहा आपने कि इंसान सिर्फ केमिकल्स है और सोल है ही नहीं तो फिर इंसान में और किसी और जानवर में क्या फर्क है डार्विन ने क्या कहा था डार्विन ने ये कहा था ना कि आप

उसका फाउंडिंग फादर माना जाता है मॉडर्न साइकोलॉजी में फ्रॉइड कहता था कि इंसान जो है से पहले लोगों का ये कहना था जो उससे पहले लोग आए फलस उन्होंने कहा था कि इंसान जो है ना उसकी मोटिवेशन क्या है इंसान किसी के साथ अच्छा क्यों करता है अगर इंसान बाय नेचर खबीस है और बाय नेचर ही खराब है तो इंसान अच्छा क्यों करता है तो फिर बाज फलस ने यह कहा कि इसलिए करता है क्योंकि इंसान जो है वो खाने से मोटिवेट होता है ही यू टू फीड हिमसेल्फ तो अपने पेट पालने के लिए वो किसी के साथ भी नेकी कर देगा फिर कुछ ने कहा कि नहीं पेट पालना नहीं अपने आप को प्रोटेक्शन देने के लिए करता है उसको अपने लिए घर चाहिए होता है, छत चाहिए अपने ऊपर, उसको अपने ये कपड़े चाहिए अपने आप को प्रोटेक्ट करना है उसने सर्दी गर्मी से तो कुछ ने कहा कि वो इसलिए उसकी मोटिवेशन जो है ना वो बेसिकली <coughs> क्या है वो आपके खाना है बेसिकली वांट्स टू फीड हिमसेल्फ कुछ लोगों ने कहा नहीं खाना नहीं है वो उसका डिजायर टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ है और फिर फ्रॉयड जो है उन्होंने आके ये कहा एक और ही उन्होंने मतलब बहुत ही फजूल बात कह दी उन्होंने कहा कि इंसान जो है वो अपनी सेक्सुअल डिजायर से मोटिवेट हो रहा है हद हत्या उसने ये यह यहां तक की बातें कही कि एक माँ और बच्चे में भी थोड़ा थोड़ा ये जरासीम पाए जाते हैं बाप और बेटी में भी पाए जाते हैं बहन भाई में भी पाए जाते हैं सारे आपस में जो मोटिवेटेड है इट इज बिकॉज ऑफ सेक्शुअल डिजायर्स इवन दो वो मैनिफेस्ट नहीं होते वो सबलिमिनल होते हैं कि इंसान से मोटिवेट होता है, है वो खबीस ही है उसको थोड़ा सा चांस मिलेगा, वो इन चीजों को इस्तेमाल करेगा और हमें ऊपर से कोई डंडा चाहिए होगा इंसान को कंट्रोल करने के लिए अदरवाइज दिस विल बिकम अ जंगल ये सारा का सारा जंगल बन जाएगा क्योंकि इसके अलावा इंसान के पास नेकी करने की कोई मोटिवेशन नहीं होती या वो खाना खाना चाहता है या प्रोटेक्शन चाहता है या सेक्सुअल अपने डिजायर्स को फुलफिल करता है ये इंसान के मोटिवेटर्स हैं उसके अलावा क्योंकि आपने अल्लाह को निकाल दिया ना अल्लाह को आपने निकाल दिया आपने क्यामत को निकाल दिया आपने रूह को निकाल दिया इंसान को बना दिया जनाबे वाला जानवर उसकी सारी मोटिवेशन क्योंकि जानवर की क्या मोटिवेशन होती है जानवर क्या करता है जानवर खाता है रिप्रोड्यूस करता है तो आप क्या हो खाओ और रिप्रोड्यूस करो ये रिचर्ड डॉकिंस जो है जिसने किताब लिखी द गॉड डिल्यूजन उसने क्या कहा उसने कहा ह्यूमन बीइंग का पर्पस क्या है

तो बेसिकली इंसान को लिमिट कर दिया और फिर जस्टिफाई किया आपको पता है बहुत सारे आज के जो मॉडर्न फलसफी हैं वो फ्री विल में बिलीव नहीं करते कि इंसान के पास फ्री विल है वो कहते हैं भाई हर इंसान अपने हालात का प्रोडक्ट होता है एवरी मैन इज अ प्रोडक्ट ऑफ देयर सोसाइटी एंड एनवायरमेंट मतलब अगर एक इंसान बुरा काम कर रहा है तो ठीक है यार उसकी ही ऐसी थी उसने यही करना था ना ये इस्लाम नहीं सिखाता अगर एक इंसान जो है वो किसी का रेप कर रहा है तो मॉडर्न सोसाइटी के सिविलाइजेशन के लोग कहते हैं हालात बना दिया तो बस एक ऐसे ही था, डिटर्मिनिस्टिक सा हमारा है के बारे में वो ये, कहते है, लेकिन ये इस्लाम नहीं कहता इस्लाम कहता है जो भी तुम्हारे इन्वायरमेंट है जो भी है तुम यानी इंसान के बच्चे बन के रहो तुम प्रूव करो कि तुम इंसान हो तुम जानवर नहीं हो रखत खलक नी तकवीम हमें दीन ये कहता है दीन ये नहीं कहता कि जो भी हो रहा है तुम्हारे माशरे में तुम उसका एक

तुझे जमीन में इकराम के साथ भेज दिया फरिश्तों से कहा कि आदम के आगे सजदा करो और इंसान को इतने आला मकाम पर फाइज किया लेकिन इंसान की बदबख्ती के वो जाके पत्थरों के आगे सजदे कर रहे मुर्दों के आगे सजदे कर रहा है जानवरों को अपना रब मान रहा है अजीब है इंसान लगत खलक नकवी सुनाफरी अल्लाह ने तुझे क्या मकाम दिया था तू कहां जलील कर है अपने आप को तुझे क्या मकाम और मरतबा दिया था तुझे इनेट गुडनेस थी तेरे अंदर यानी जो मॉडर्न फलसा है जो लिबरल माइंडसेट है और इस्लाम में जमीन आसमान का फर्क है लिबरल माइंडसेट कहता है इंसान खबीस है वो डंडे के जोर से ठीक होगा अल्लाह कहते हैं नहीं इंसान अंदर से ठीक है लकत इंसान खलकानी तकवीम इंसान बाय नेचर अच्छा है हर बच्चा मासूम पैदा होता है और इसी की आला मिसाल अल्लाह तआला ने इन ओथ्स में दी जहां पे कहा कि यानी नू अ सलाम का भी जिक्र आ गया ईसा सलाम का इब्राहिम सलाम का भूसा सलाम का और नबी करीमल वम का कि जब कस्में खाई गई वह तीन व जैतून व तूरी सीन वाजिल ये जो अल्लाह के नबी थे ये तो बताओ इनकी मोटिवेशन क्या थी जिन्होंने बेलॉस होकर बिल्कुल बेलौस होकर लोगों की खिदमत की लोगों को दीन की दावत दी उस दावत में मुश्किलें भी सैली हर किस्म की अजियत से भी गुजरे हर किस्म की आजमाई से गुजरे लेकिन अपने मिशन से पीछे नाटे

पैगंबर और अंबिया तो दूर की बात सहाबा तावईन, तबा तावईन। ऐसी ऐसी मिसालें आपको मिलती हैं कि जहां पे आपको नजर आता है कि उसके पीछे कोई मोटिवेशन नहीं थी सिवाय यह कि हमारा रब हमसे राजी हो जाए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आपने फरमाया सही बुखारी की पहली हदीस है अमाल, अमाल का किस पे नीयत पर है तो जो मुसलमान है उसकी तो नीयत ही होती है कि बस मेरा रब राजी हो जाए ना उसमें पेट के डिजायर्स हैं ना उसमें कोई सेक्सुअल डिजायर्स इन्वॉल्व है ना उसमें कोई अपने आप को शेल्टर देने के डिजायर है, बल्कि कैसे जस्टिफाई करोगे उन लोगों का जो, जो जंगों में शहादत ले लेते हैं जो मुस्कुरा के मैदान जंग में कूद जाते हैं कि अलहमद अल्लाह ने हमें कामयाब कर दिया अल्लाह ने हमें आजमा लिया कहाँगी तुम्हारी सारी फिलोसफी उनके मामले में तो अला सुबह तला जो चीज़ बता रहे हैं कुरानी मजिद में ये इससे ऊपर कोई चीज़ नहीं है इससे ऊपर कोई फलसफा नहीं है जो कुरानी मजिद का फलसफा है सो अला ने फरमाया कि ये वो लोग हैं जो कि अल्लाह बहुत ऊंचे मकाम पर पैदा किया था लेकिन फिर यही लोग होते हैं आप देखेंगे आज का अलबिया क्या है हम एक तरफ लिबरल वर्ल्ड व्यू जो है उसको बड़ा सनाते हैं कि जी देखो देखो दुनिया लिबरल होगी होगी सेकुलर ना कितनी तरक्की की हमने साइंस में हमने सड़कें बना दी हमने जो है वो बड़े बड़ी बिल्डिंगे बना दी हमने सेवन स्टार होटल्स बना दिए हमने बड़े बड़े थीम पार्क बना दिए हमने लग्जरी बीच रिजॉर्ट्स बना दिए तरह तरह की गाड़ियां हमने याद कर ली लैब्रगिनी फरारी एस्टन मार्टिन हर तरह की टेक्नोलॉजी आज अवेलेबल है लैपटॉप्स आ चुके हैं डिजिटल नेटवर्क आ चुके हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन चल रही होती है मास पे हम अपने प्रोब्स भिजवा रहे हैं देखो इस इंसान कहां पहुंच गया है हम ह्यूमन प्रोग्रेस की पीक पे हैं खुदा की कसम ये ह्यूमन इंसानों की जो डिक्लाइन के पीक पे हम लोग क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का मतलब ये नहीं है कि तुम अच्छे इंसान बन गए हो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स का ताल्लुक इंसानियत के साथ नहीं है यह से इंडिपेंडेंट है आज अगर हम टेक्नोलॉजी एडवांस्ड है आज सुसाइड रेट्स पूरी दुनिया में कभी इतने हाई सुसाइड रेट्स नहीं हो जितने आज है इतनी ज्यादा डिप्रेशन पूरी दुनिया में कभी नहीं हुई आज तक जि, ज, जितनी आज है इतनी ज्यादा क्राइम डोमेस्टिक वायलेंस अब्यूज स्टीलिंग रॉबरी मर्डर इसको आप प्रोग्रेस कहते हो पूरी इंसानी तारीख में कभी इतना ज्यादा मसला नहीं हुआ जितना आज इंसानों के साथ हुआ हुआ है क्यों क्योंकि तुमने अपनी रूह को बुला दिया फंसा हो मनफसा हो तुमने अल्लाह को बुलाया अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारा आप बुला दिया तुम एक मशीन बन के रह गए जानवर बन के रह गए यह इंसान ने अपने साथ किया है आज हम लोगों ने साइंसिस के पीछे लग के हमने अपनी रूह को बुला दिया हमने अपने रब को बुला दिया हमने अपनी आखिरत को बुला दिया

जलील कर दी अल्लाते हैं जानवर भी खराब नहीं होता जितना इंसान हो जाता है जानवर भी इतना खराब नहीं होता आपको पता है कि इंसान होना चाहे अच्छा तो वह मलाइका से भी ऊपर जा सकता है हती कि मलायका उसको सजदा करे अगर इंसान अच्छा होना चाहे तो इतना अच्छा हो सकता है और अगर इंसान बुरा होना चाहे तो फिर इससे बुरा भी और कोई नहीं है आपको पता है कि गटर के चूहे हों या खिजीर हों या गंदे से गंदा कोई कॉकरोच हो वो भी वो काम नहीं करते जो इंसान करता है वो भी दूसरे मुल्कों पे आटा बम नहीं मारते वो भी पूरे पूरे बस्तियों को रेप नहीं कर देते वो भी बच्चों और बच्चियों का बेहतर कत्ल नहीं करते वो भी ऐसे वाकत नहीं करते जहां पे हमें पाकिस्तान में एक बंदा मिला जिसने सो से ज्यादा बच्चा मार दिया था और ड्रम के अंदर उनकी बॉडीज को डाला हुआ था

सी आई ए का जनरल था डायरेक्टर था जनरल डेविड पेट्रियस वो पकड़ा गया एक बहुत बड़े स्कैंडल के अंदर यानी ये आपके वो लोग हैं जो आपके सबसे टॉप के लोग हैं जिनको आप माशरे का सबसे यानी आला मकाम देते हो एक को आपने प्रेसिडेंट बनाया हुआ है डायरेक्टर सी आई ए लगाया हुआ है और ये ऐसे कामों में पकड़े जाते हैं जो आप मतलब कहते हो कि यार तुम्हारे स्टेटस को ये सूट नहीं करता था इतने घटिया काम इतने घटिया काम मतलब कहां है तुम्हारी एजुकेशन हमारी एजुकेशन का मकसद क्या था इंसान का बच्चा बनाना अच्छे अखलाक और किरदार वाला बनाना तुम्हारे अंदर अखलाक अखलाकियात है तुम्हारी तो हया ही नहीं है तुम्हारे अंदर और आप सलम की हदीस आपने फरमाया कि जिसकी हयात चली जाए ना वो कुछ उससे कुछ भी उम्मीद रख सकते हो तुम कि जिसकी हयात चली जाए वो फिर कुछ भी कर सकता है ये तो इंसान का अलमिया इस वक्त कि जो सबसे आपको लगता है कि बड़े एजुकेटेड पढ़े लिखे लोग माशा तबारकल इतने ऊंचे उद्दों पर फायज लोग जो है वो भी करप्शन के अंदर सारे मुल्व है कहां की तुम्हारी इंसानियत हालांकि अल्लाह ताला ने पैदा किया था इंसान को बड़े अच्छे अंदाज में सुम रदद हो असफल साफी और रदद ना यानी रद होने का मतलब है किसी चीज को यानी इनकार कर देना फेंक देना तो ये या किसी चीज को यानी वापस लौट आना उसका तो पैदा तो बड़े आला तरीके से हुआ था लेकिन वो सबसे निचले जो ना गढ़े की तरफ चला गया अच्छा यहाँ पे एक चीज हम देखते हैं कि बाजा ने यह भी कहा कि ये असलिन का मतलब यह इंसान जो है ये ये इंसान जहनमी है इंसानियत से दूर हो गया ना ये फिर जहन्नम के रास्ते पर चल पड़ा है और इसने अपने आप को खुद जलील कर दिया आगे फरमाया गया आयत नंबर छह में तो इस टॉपिक के बाद लकतानी फरमाते हैं लेकिन वो लोग जो ईमान लाए और अमाले सवाल करते रहे फलहम अजर उनका अजर कभी खत्म नहीं होगा यानी दो चीजें ना इंसान का ईमान उसके अंदर है और इंसान के दो स्टेट्स हैं इंसान का एक इनवर्ड है और एक आउटवर्ड है अंदर उसकी रूह है अगर वो ठीक है जैसे कि पहले हमने पढ़ा था कि जिस तरह आपके दिल के अंदर यानी आपके जिसमें गोश्त का लोथला है अगर वो ठीक है तो सब ठीक है और वह आपका दिल है तो अगर अंदर से इंसान ठीक है ना तो बाहर से ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा अगर अंदर से ही खबीस है तो उसकी खबासत बाहर भी नजर आएगी तुरस मदरफ हमारे लजीन आमन सलिहात यानी अंदर से ईमान उनका है अल्लाह को मानने वाले हैं रोज़े के को मानने वाले हैं और अमाल सलिहा करने वाले हैं दोनों चीज़ें करते हैं अजीन आमन वाम सलित इसके बारे में डिटेल हम पढ़ेंगे इनशाला जब हम लोग करेंगे तफसीर सुरत असर ठीक है तो उसमें हम ये टॉपिक डिटेल में कवर करेंगे क्योंकि काफी लंबा टॉपिक है तो आज इतना टाइम नहीं है कि इसको हम लोग मजदीद डिटेल में करें इन शुरू असर की जब तफसर होगी तब मैं इनशाला इसको वाजे करके बयान कर दूंगा तो फरमाते हैं व सालिहात जो लोग ईमान लाते हैं किस पर ईमान लाते हैं आमन व व आखिर खैरी अल्लाह पर ईमान लाते हैं अल्लाह के फरिश्तों पर ईमान लाते हैं आसमानी किताबों पर ईमान लाते हैं यानी जितनी भी गैब की चीजें हैं जो अल्लाह तला ने बयान की हैं आखिरत पर ईमान लाते हैं इन चीज़ों पर ईमान लाते हैं अंदर से ये बात मानते हैं और फिरने का अमाल करते हैं यानी आपके अमाल जो है ना जैसे जैसी आपकी नीयत होगी वैसा आपका अमल होगा यानी जो बंदा वाकियतन अल्लाह को मानता हो और अल्लाह से डरता हो उसका चलना फिरना उठना बैठना इस बात की गवाही देगा कि वो अल्लाह पर ईमान लाता है जिस इंसान को पता हो कि मैंने लौट के अल्लाह के पास जाना है मैं क्यामत पर ईमान लाता हूं जिसकी रूह इस बात पर मुतमइन है वो ऑटोमेटिकली खैर और भलाई वाले काम करेगा आमाल साल करेगा और उसकी जो मोटिवेशन है ना वो वो नहीं है जो फलसफी कह रहे हैं उसकी मोटिवेशन अल्लाह है उसकी मोटिवेशन आखिरत में नेक लोगों की सोहबत में आना है या ये तोह नफसुलतमी की फत खुली फी इबाद खुली जन्नती उसकी ये मोटिवेशन है जिसकी वजह से वो दिन रात एक कर देगा शहादत भी पा लेगा कुछ भी कर लेगा इसीलिए आज तक गोरा जो है ना वो मुसलमान को समझ नहीं सका हमारे उलमा कहा करते थे कि अगर इनको पता चल जाए इन इनकाफरों को पता चल जाए कि हमारे दिल में ईमान की मिठास कितनी है हम क्या वो लजत महसूस करते हैं ईमान की खुदा की कसम हम हमारी गर्दने काट के हमारे अंदर से निकाल लें लेकिन ये तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक ये इस्लाम कबूल नहीं करते और ये खुद नहीं कहते थे अशदुल्ला व अशद मोहम्मद अब्दुल रसूल जब तक ये खुद इस्लाम में नहीं आते तब तक ये इनको हिंट भी नहीं मिलेगी कि हमारे दिल में क्या गुजर होती है कि हमें कितना इतमान मिलता है कितना सुकून मिलता है नमाज पढ़ने में हमें कितनी लज्जत आती है अपने रब की रजा में खुश होने में। हमें कितनी हमारी दूर हो जाती हैं, जब हम अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं जब हम खैर के काम करते हैं अल्लाह हमारे दिल में एक ठंडक डाल देता है अल्लाह तला हमारे दिल में इतमान डालता है कैसे समझाए इनको कैसे समझाए यानी कुछ चीजें होती है ना वो बंदे को एक्सपीरियंस ही आती है यानी आपने दुनिया का कोई बेहतरीन ड्रिंक हो ना दुनिया का कोई बेहतरीन ड्रिंक हो एक बंदा जिसने पिया ही नहीं है वो आप उसको दस घंटे समझाते रहे कि इसका जायका उसको नहीं समझ में आएगा जब तक कोई वो पिएगा नहीं पिएगा उसकी ठंडक उसके जिसमें जाएगी हाँ अब समझ आई यार ये क्या चीज होती है जब तक इस्लाम को आप घोल के नहीं पिएगा ना तब तक समझ में नहीं आएगा इस्लाम क्या है तो ये असल में फलसफा है जो अल्लाह तला बयान कर रहे हैं कि असल में जो लोग ईमान लाते हैं और आमाले सवालिया करते हैं उनके लिए क्या है फलाम उन्हीं के लिए अजर गैर ममनून उनके लिए एक ऐसा अजर है गैर उमनू जो कभी ख़त्म नहीं होगा जो कभी कटेगा नहीं बस उनको अजर मिलता जाएगा मिलता जाएगा मिलता जाएगा दुनिया में भी अल्लाह ताला उनको अजर देगा आखिर में भी देगा और दुनिया का सबसे बड़ा अजर जो उनको मिलता है वो ये कि अल्लाह ताला उनको हलावते ईमान दे देता है अल्लाह ताला उनको दीन की मिठास चखा देता है अल्लाह ताला उनको मुतमयन कर देता है जिस काम में वो होते हैं चाहे उनके पास फाइनेंशियल मीन ना भी हों वो राजी होते हैं वो खुश होते हैं वो मुस्कुरा देते हैं वो टेंशनें नहीं लेते क्योंकि उनको पता अला उनके साथ है लेकिन दूसरी दुनिया जो है जहाँ पे आपने मटेरियल में तो आगे चले गए और सोल को भुला दिया वहाँ पे सिवाय डिप्रेशन के एंजाइटी के अंधेरे के लोनलीनेस के एम्प्टीनेस के और कुछ नहीं है मैं रिसेंटली एक आर्टिकल पढ़ा था जहाँ पे मैंशन किया कि जापान के अंदर जापान जैसा मुल्क जो कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की पीक पे है वहाँ पे लोनलीनेस का कल्चर कितना ज्यादा बढ़ गया उसका खास एक वर्ड था मेरे जहन से निकल गया अभी एक खास वर्ड वो यूज करते हैं खास लाइफ स्टाइल है जहाँ पे बच्चे बूढ़े वो सब अकेले रहना चाहते हैं मतलब जिंदगी से इतने उकता गए हैं कि वो एक लाइफ है जहाँ पे बस वो अपने आप को एक कमरे में आइसोलेट कर देते हैं और कुछ नहीं चाहते बस ना किसी से ताल्लुक ना किसी से वास्ता रोबोट बन गए सारे और ये वहाँ पे बहुत रैपिडली फैल रहा है और लोग इससे परेशान हो रहे हैं कि भाई अगर ये मामला रहा तो फिर तो हमारी हमारी पूरी पॉपुलेशन ही खत्म हो जाएगी इस तरह से तो जहाँ पे लोग डिप्रेशन एग्जाइटी में भी जा रहे हैं उनको कोई उनका कोई मोटिवेशन नहीं है किसी के साथ कोई रिलेशनशिप करने में कोई फैमिली स्टार्ट करने में कोई मोटिवेशन नहीं रही उनके पास ये उन माशरों का हाल है जहाँ पे उन्होंने अल्लाह को बुला दिया अल्लाह ने उनको अपना आप बुला दिया तो फरमाते हैं, इल्ला आमनू वामल आगे फरमायादी तो फिर कैसे यहाँ पे सवाल पूछ रहे हैं, फमा, तो फिर क्या चीज जो है वो तुझे आखिरत को जुटलाने पर मजबूर कर रही है फमा युकाजीब का बाद कि वो क्या चीज है जो तुझे कॉज कर रही है कि तू आखिर को जुटला दे वो क्या चीज है सोच के बता कि फिर ये सारी बातें पता होने के बावजूद तू क्यों जुटला रहा है जब तेरे सामने अंबिया का की बात भी मौजूद है अब चाहे कोई बंदा जू हो या क्रिश्चियन हो या मुसलमान हो क्या उसको अंबिया के बारे में नहीं पता और बाकी भी जितने भी मजाहब हैं उनके पास भी कुछ ना कुछ है उनके यहां भी कुछ ना कुछ तो ये वाले कॉन्सेप्ट मौजूद है तो खास तौर तो पे जो मेजॉरिटी पूरी दुनिया की जो मेजॉरिटी है वो कौन है जू क्रिश्चियन एंड मुस्लिम तीन जो इब्राहमिक फेथ्स हैं इनको नहीं पता कि इनकी मोटिवेशन क्या थी इब्राहिम सलाम की मोटिवेशन क्या थी नू सलाम की मोटिवेशन क्या थी इब्राहिम आदम सलाम पर कोई इक्तलाफ नहीं है किसी का तो, यानी तमाम या, हमारे जो इब्राहिक फेथ्स हैं आदम सलाम नू साम इब्राहिम सलाम मूसा सलाम यूसुफ यूसुफ्लम याकूब आलम यानी ये सारे अम्बिया हमारे अंदर कॉमन है और इनकी इनकी मोटिवेशन क्या थी ये लोग क्यों बेलॉस होके अल्लाह ताला के दिन की खिदमत कर रहे थे तो तो ताला ताला इसी तरह से पिछली में भी लेकिन यहां पे एंड में सवाल आ रहा है तो कुछ सूरते ऐसी होती है जिनमें सवाल पहले आता है और कुछ एंड में तो इसमें आखिरी दो आयतें हैं जो है वो सवाल है पूछा गया कि फमा युको का बदुबिदी अब सोच के बता कि तू क्यों दीन को जुटला रहा है तुझे जब पता है कि हर चीज का हिसाब होना है तुझे पूरी कायनात में एक बैलेंस नजर आ रहा है तुझे पूरी कायनात में एक ऑर्डर नजर आ रहा है चाहे सूरज चांद हो दिन और रात हो जमीन और समुंदर हो या कुछ भी कुछ भी चीजें हो तुझे दुनिया में एक बैलेंस नजर आ रहा है हर चीज एक निजाम के तहत चल रही है तो तुझे कैसे लगता है कि तू गुना करके बच के निकल जाएगा क्या बैलेंस नहीं होगा जिस रब ने इस कायनात को बैलेंस से क्रिएट किया वो क्या जुल्म को बर्दाश्त करेगा कभी बर्दाश्त नहीं करेगा तो ये इंसान को एक वार्निंग दी जा रही है फमा फमायब का बाद यन क्या अल्लाह ताला बेस्ट जज नहीं है बेस्ट फैसला करने वाला अल्लाह ताला नहीं है अब ये दूसरा सवाल है पहले कहा कि तू ये बता कि तू क्यों किस चीज की वजह से तू आखिरत को जुटला रहा है और फिर कहा कि क्या अल्लाह ताला बेस्ट जज नहीं है कि क्या अल्लाह ताला जो है यहाँ पे यानी यह का अबे का यकीन तेरा रब जो है वो बेहतर फैसला क्योंकि यहां पे अगर रब कह देंगे तेरा रब तो फिर वो एक तरफ लीन हो जाएगा ना कि तेरा रब है तो अल्लाह ताला ने अपना नाम किया कि अल्लाह ताला फेयरनेस के साथ बात करेगा हर किसी के साथ फेयरनेस होगी जो भी शख्स आएगा उसके साथ इंसाफ से बात होगी कि जो उसने किया उसको उसके किए का बदला मिलेगा जैसा करोगे वैसा भरोगे एज यू सो सोशल यू रीप तो अल्लाह ताला उस दिन फैसला करेगा और अल्लाह ताला जो है वो बेहतरीन फैसला अहकमल हाकिमी बेहतरीन फैसला करने वाली ज़्यादा अल्लाह ती की बेहतरीन इसलिए भी क्योंकि सबसे ज्यादा अदल करने वाली ज़्यादा अल्लाह की है दूसरा बेहतरीन इसलिए भी क्योंकि अल्लाह ताला तो तेरे दिल की नीतों से भी वाकिफ था कहाँ छुपेगा तू तेरे अमाल तो चलो कुछ लोगों को नजर आगे कुछ नजर नहीं आए अल्लाह तला वो भी देख रहा था और अल्लाह तला तो तेरे दिल का हाल भी जानता था कि तू फलां काम क्यों किया तो कभी कभार ऐसा होता है कि इंसान ने काम बड़ा अच्छा किया होता है लेकिन नीयत पीछे खराब होती है तो फंसेगा फिर बुरी तरह फंसेगा अल्लाह तो नीयत भी पता है आपकी आप किसी को फेवर करना चाह रहे हैं आप अपने किसी कोई को गिफ्ट दे रहे हैं लेकिन वो गिफ्ट जो है आप इल इंटेंशन से दे रहे हैं नीयत पीछे खराब है उसकी अल्लाह ताला को पता है किस नीयत से दिया आपने एक बंदा गिफ्ट देता है बिल्कुल बेलॉस होकर देता है किसी मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ इसलिए गिफ्ट दे रहा हूँ आपको यकीन मैं दिल से दे रहा हूँ आप अल्लाह के बन्दे हैं मैं इसलिए आपको देता हूँ ठीक है हमारा कोई फैमिली मेम्बर है जो भी तो अल्लाह को तो नीयत भी पता है आपकी क्या अल्लाह तला बेहतरीन जज नहीं है जो तेरे हर हर अमल से वाकिफ है So, ये वो सूरा है जिसके मजामी जो है ये डीपली फिलोसॉफिकल है और अगर इसका फलसफा आपको समझ में आ जाए तो आपको समझ में ये बात आ जाएगी कि इन शाह इंसान जो है उसका मकसद क्या था अल्लाह तक ने किस तरह से इंसान को पैदा किया <coughs> दोनों सवाल जो है ये बड़े गौरतलब हैं और ये ऐसे सवाल हैं जिनके बारे में खुद से सोचना चाहिए कि अगर मैं, मैं खुद दीन की तरफ नहीं आ रहा मैं दीन को जुटला रहा हूँ फमायूको बी दिन अगर मैं दीन को जुटला रहा हूँ अपने एक्शन से हो सकता है मैं दिल में मानता हूँ दिल में मैं मानता हूं कि अल्लाह एक है बात शरीक है लेकिन मैं अपने अमल से जुटला रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं वो क्या चीजें हैं जिनकी वजह से मैं दीन से दूर हो रहा हूं वो क्या चीजें हैं जिनकी वजह से मैं दीन पर अमल नहीं कर रहा वो क्या चीजें हैं जिनकी वजह से मैंने नमाज छोड़ी हुई है वो क्या चीजें हैं जिनकी वजह से मैंने अल्लाह की राह में खर्च करना छोड़ा हुआ है वो क्या चीजें हैं जिनकी वजह से मैंने रमजान में रोजे छोड़े हुए हैं वो क्या चीजें हैं जिनकी वजह से मैं अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक नहीं करता अपने बहन भाइयों के साथ अगर मियाँ हूं तो बीवी के साथ सलूक अच्छा नहीं करता बीवी है तो मियाँ के साथ अच्छा सलूक नहीं करती क्यों क्यों मैं जुटला रहा हूं क्यामत के दिन को क्या अल्लाह ताला बेहतरीन जजमेंट करने वाला नहीं है क्या अल्लाह ताला मेरे ऊपर विटनेस नहीं है क्या अल्लाह ताला देख नहीं रहा मैं क्या कर रहा हूं क्या मुझे लगता है कि मैं बच के निकल जाऊंगा मेरा हिसाब किताब नहीं होगा यकीन होगा अल्लाह सुमा हम सबको नेक अमल करने की तोहफी किताब फरमाए सो इस सूरा का की समरी क्या है अल्लाह सुमान तला ने पहली कस्में खा के पांच ऐसी शख्सियात का जिक्र किया जो कि बेहतरीन बेहतरीन रोल मॉडल्स है हमारे भे लिए और फिर यह बताया कि लकत खलक नकवी इंसान को बहुत आला मकाम पर फाइज किया था लकत कर इंसान को बहुत ऊंचा मकाम दिया था लेकिन इंसान उस मकाम से ना कभी कभार खुद ही नीचे आ जाता है और इतना घटिया हो सकता है जितना कोई जानवर भी नहीं होगा इतने बुरे काम करने की भी कैपेसिटी इंसान के अंदर है तो अगर अच्छे काम करोगे इन शाह आपका रब आपके साथ बड़ा रहमान और रहीम होगा गफूर वफ़ार होगा आपके लिए आखिर आखिरत में ठिकाना अच्छा होगा अगर बुरे काम करोगे तो अल्लाह ताला जो है वो उसकी जजमेंट जो है अल्लाह ताला की पकड़ बड़ी सख्त है अल्लाह ताला शदीद अजाब भी दे सकता है अल्लाह ताला ताली हमको ये तोफ़ी दा फरमाएं कि आप नए काम करें मडियर बजस्टिस कदर की रात जो है वह आखिरी अबराज हमारे ऊपर आन पड़ा है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत करम है कि हमने रमज़ान यहाँ तक देख लिया इन कोशिश करके एक शॉर्ट वीडियो इस टॉपिक पे रिलीज़ करूंगा आज क्योंकि टाइम नहीं है मैं लहर कदर के बारे में एक शॉर्ट वीडियो जरूर रिलीज़ करूँगा इन जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि वो क्या काम है जो आप कर सकते हैं और किस तरह अपने आप को आप इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं सो तो स्टे टून फॉर दैट इन लोगों से अब कल मुलाकात होती है बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका ट्यून इन करने का अल्लाह ताली आपके सबके इम और अमल में बरकत अता फरमाये सुबह देखा शहद अस्तर वाराकल والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته